खबर ये बता दें जी, कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया जी का भी बड़ा बयान आया कि मैं नीतीश कुमार से विनती करती हूं कि इस फैसले से सभी अधिकारियों का मनोबल कम हो जाएगा। कानून के तहत जब जेल गए तो बाहर कैसे आ सकते हैं। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देखे ना, पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा है, कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है करके कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। मैम, आपने कहा कि कनेक्ट प्लान में क्या होगा, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर और आप वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों बोले तो सारा आईएएस ऑफिसर्स और कोई भी होगा, आईपीएस आईएएस आईएफएस कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे, बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकेंड थॉट दें। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू लाइक उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो आप भी लड़ेंगे? डेफिनेटली हम डेफिनेटली लड़ेंगे, हमारे तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहाँ से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो हाँ डेफिनेटली हम लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे बहुत ही इनकरेक्ट है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, इनफैक्ट कि यू नो किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट, एंड दैट टू अ सिविल सर्वेंट हु हैड वर्कड सो हार्ड टू बिकम यू नो एन आईएएस ऑफिसर। शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था। तो मैं चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं। हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद एक उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या है। तमाम जानकारी के साथ